आयुष मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश पर कोविड 19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने आयुष विभाग द्वारा संस्मणि वटी की गोलियां व अनु तेल निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। आयुष विभाग कोविड 19 के संकट काल में घर से बाहर निकलकर योद्धाओं की तरह काम कर रहे उपमंडल कार्यालय नगर पालिका व पंचायत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक दवा की किट मुहैया करवा रहा है। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तनुजा दीक्षित ने कहा, हिसार जिला उपायुक्त और जिला आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के मार्गदर्शन में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। HWC राखी सापुर AMO की पोस्ट पे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। आज हम यहाँ पे राज्य सरकार की तरफ आदेश अनुसार हम यहाँ पे जिला आयुर्वेद अधिकारी के आदेश के साथ हम यहाँ पे दवाइयाँ वितरित करने आए हैं। ये इसमें हमने संसमनी वटी और अणु तेल वितरित किया है। संसमनी वटी है, दो दो गोली सुबह शाम गर्म पानी के साथ लेनी है, इससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। अणु तेल है, अणु तेल हमारे दोनों नाकों में एक एक बूंद डालने से जैसे शरीर के अंदर नाक के अंदर एंटीबैक्टीरियल लेयर बन जाती है, जिससे कि नाक के माध्यम से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, ये कोरोना वायरस के बचाव हेतु ही दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं। ये हमारा एक आयुष विभाग की तरफ से एक प्रयास है ताकि हम इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर सकें। नालों में मैंने SDM ऑफिस में, यहाँ पे खंड विकास कार्यालय में और अभी नगर पालिका में, तीनों जगह पे मैंने दवाइयाँ वितरित की है।